बस सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन लगभग 80% बस संचालकों को सवारी ही नहीं मिल पा रही है। हालात ये हो गए हैं कि यात्रियों की संख्या में कमी की वजह से बस संचालकों के डीजल का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। कई बार तो केवल ड्राइवर और कंडक्टर ही खाली बस लेकर 100 किलोमीटर तक सफर तय कर लेते हैं, तब जाकर एक या फिर दो सवारी मिल पाती हैं। रायपुर में तकरीबन 100 बस बुकिंग के लिए लगाई गई थी, लेकिन 20 गाड़ियों को ही यात्री मिल पाए हैं। उम्मीद है कि धीरे धीरे एक बार फिर से यात्रियों का आना जाना शुरू हो सकेगा। दो दो चार चार पांच पांच सीट आ रही हैं गाड़ियों में और सवारियां तो अभी नहीं मिल रही हैं, बट ऐसा हम लोग उम्मीद जता रहे हैं कि शायद लोगों को पता चले तो कुछ सवारियां बढ़ें, तो कोशिश है कि सवारियां मिले और गाड़ियों का संचालन बराबर निरंतर। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संस्था सुप्रिया पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुप्रिया, क्या वजह है जो बस संचालकों को ग्राहक नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि गौरतलब बात यहाँ पर यह भी है कि कुछ दिन पहले ही बस संचालकों ने किराए में वृद्धि की मांग उठाई थी, जिसको सरकार ने मंजूरी देने की बात कही थी। संचालकों ने किराया वृद्धि की बात कही थी, लेकिन उस फैसले को लेकर अभी टाइम है, क्योंकि बस संचालकों का कहना है कि ये बड़ा फैसला है और इसे कैबिनेट बैठक में ही जो है वो निर्णय लिया जा सकता है इस बात को। और साथ ही आपको बता दूं कि कल से जो है बस सेवाएं जो है वो शुरू की गई है, और साथ ही कल 100 बसें चली हैं, उसमें 20 बसों को ही यात्री मिल पाए हैं और उन यात्रियों की संख्या महज 4 से 5 ही रह चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर बस संचालकों की जो हालत है वो बनी हुई है। और लेकिन क्या वजह है जो बस में बैठने वाले ही यात्री नहीं मिल पा रहे हैं? जी, एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि कोरोना का डर जो है वो लोगों को सता रहा है। अब लोग जो है वो बस में बैठने से ज्यादा जो है हिदायत बरतते जा रहे हैं, और उनकी ये भी मांग है कि बस की सीट में कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण जो है वो हो सकता है। ऐसा लोग जो है उनकी सोच होगी ऐसा, क्योंकि अपने साधन से जाना जो है वो लोग बेहतर समझ रहे होंगे, क्योंकि काफी दिनों से जो है बस सेवाएं बंद थी और ऐसे में लोगों को अपने वाहन से भी आवाजाही करने की आदत हो गई होगी। और साथ ही अगर किसी ने बस कोई पर्सनल गाड़ी कर दी है, फिर और किसी दूर दराज इलाकों में जैसे कि अगर किसी को सूचना ही नहीं होगी, बस संचालक ये उम्मीद ही जताते हैं कि बस संचालकों का ये कहना है कि यदि दूर जो दूर अंचलों के क्षेत्र है वहाँ पर के लोग हैं वो जो बस से सफर करते हैं, तो उनको इस बात की जानकारी नहीं होगी, इस वजह से भी यात्रियों की संख्या में कमी पाई गई है। तो इस तरीके से बात जो है वो बस संचालक कर रहे हैं और वो उम्मीद भी जता रहे हैं कि अगले 4-5 दिनों में यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और इस वजह को जानने के लिए करीब से हमारे साथ अनवर अली फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बस ऑपरेटर के। बहुत स्वागत आपका अनवर अली। थैंक यू जी। अनवर अली, क्या मानते हैं आप कि आखिर क्यों यात्री नहीं मिल पा रहे हैं? बस जैसा कि खबरें आ रही हैं कि बस संचालक परेशान हो रहे हैं, उन्हें यात्री ही नहीं मिल पा रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप? एक्चुअली हमारा परिवहन मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से और हमारे परिवहन आयुक्त के साथ जो मीटिंग हुई थी सैटरडे को, उसमें ये तय किया गया था कि आप गाड़ियों का संचालन जो ना चालू करें और धीरे धीरे पैसेंजर मिलने लगेंगे। हमने बोला चलो ठीक है, हमने संचालन तो चालू किया, बट अभी भी कोविड-19 का जो डर है वो लोगों के ऊपर बहुत बैठा हुआ है, तो जो अर्जेंट ही उनको किसी को अगर सफर करना वही हमारी गाड़ियों पे सफर कर रहा है, अदरवाइज पैसेंजर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं जी। लेकिन अनवर अली, कुछ दिन पहले की खबर ये भी सामने आई थी कि जितने भी बस संचालक हैं उन्होंने हड़ताल की थी, कहा था कि जल्दी बस की जो सुविधा है वो शुरू नहीं होना चाहिए। इस पक्ष में पहले से ही बस संचालक संघ पहले ही था। दूसरी चीज, किराए में वृद्धि की बात भी आपने रखी थी सरकार के सामने। हमारी तीन मांगे थी सरकार के साथ में, सरकार ने हमारी दो मांगों को पूरा कर दिया है। कि नॉन यूज हमारे छत्तीसगढ़ में गाड़ियों को नॉन यूज में भी रखने के बाद भी टैक्स लगते थे, बट अब नॉन यूज में हमें गाड़ियों रखने में हमें टैक्स नहीं लगेंगे। सरकार से ये बात हुई कि आप 10% गाड़ियों का संचालन कीजिए और बाकी गाड़ियों को नॉन यूज में खड़ी कर दीजिए, जिसको आपको टैक्स नहीं लगेगा जी। और 3 महीने का जो टैक्स था वो सरकार ने माफ कर दिया। किराया वृद्धि के लिए उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि किराया वृद्धि के लिए कैबिनेट का मामला है और किराया वृद्धि करने में लगभग 1 महीने लगेंगे, 15 से 1 महीना लगेंगे, उसके लिए हम बढ़ा देंगे। बट अभी किराया तो दूर की बात है, पैसेंजर नहीं मिल रहे वो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। कि जैसे कि हमारा 600 किलोमीटर का सफर होता है तो गाड़ी में डीजल लगता है 16,000 रुपए का,
और जाहिर सी बात है ऐसे बस संचालक है उन्हें परेशानी होगी। जैसा कि ऐसे भी कुछ मामले सामने आए हैं जहां 100-100 किलोमीटर बस खाली चलाई जाती है, सिर्फ कंडक्टर और बस चालक जो है वो ही बैठा रहता है, यात्री एक भी नहीं मिलता है, ऐसे में नुकसान में होगा बस संचालक संघ। तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? हम ये सरकार से उम्मीद अभी ये है कि हम पहले 10 दिन तक के गाड़ियों को बहुत अच्छे से संचालन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे 20-25% जो संचालन है, उसके बाद अगर हमारे को पैसेंजर नहीं मिलेगी तो हम घर से डीजल जला के तो गाड़ियों को संचालन कर नहीं सकते, फिर मजबूरन हमें गाड़ियों को खड़ा करना पड़ेगा। बट अभी हम चलाएंगे, देखते हैं शायद पैसेंजर हमें मिलने लगे। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए अनवर अली जी। और सुप्रिया भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। सुप्रिया, कहीं ना कहीं कोरोना काल ही एक मुख्य कारण निकल करके सामने आ रहा है, लेकिन मीडिया एनालिसिस के हिसाब से बात कर ली जाए तो कितना समय और लग सकता है यात्रियों की जो रवानगी पहले थी, पहले के वक्त में आज से 3 महीने पहले, उसे वापस हालात होने में? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यात्रियों की संख्या में जो इजाफा होगा है वो भी समय लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। लगातार जो है निगम अभियान चला रहा है, सभी जगह पर तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, एहतियात भी बरती जा रही है, लेकिन बस संचालकों को लेकर जो है बस जो है वो उसमें यात्रियों की संख्या में इजाफा होने में अभी वक्त लग सकता है, क्योंकि यात्रियों के मन में कोरोना को लेकर काफी डर बैठा हुआ है और साथ ही बस में कई तरह के लोग और कई अन्य जगहों से जो लोग हैं वो बैठकर सफर करते हुए नजर आते हैं और बस जो है वो पूरे राज्य में संचालित की जा रही है। तो इस तरीके से काफी ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोरोना को लेकर डर सता रहा है कि कहीं सीट में संक्रमण का तो खतरा तो नहीं है, तो इस तरीके से कहीं लोगों के साथ भी संक्रमण का खतरा तो नहीं है। हालांकि बस संचालकों ने ये बात कही है कि यदि यात्रियों की भीड़ बढ़ती है तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो है विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तो यात्री ही नहीं है तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो अभी मतलब जैसे कि अगर बस में 20 सीटर तो वहाँ पे महज 5 ही यात्री बैठते हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो होगा ही होगा, लेकिन अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो ऐसे में बस संचालकों के लिए भी एक बड़ी जो चुनौती है वो होगी कि यात्री इतनी बढ़ती यात्रियों की संख्या में वो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हैं और उन्हें किस तरह से मास्क जो लगाने की हिदायत है वो दी जाती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुप्रिया। यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।